मैं अनिल कुमार स्वर्णकर, वरिष्ठ प्रवक्ता रसायन, राज्य के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। हमने परमाणु की संरचना में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार अथवा गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाता है। क्वांटम संख्याएं हमें चार प्रकार की जानकारी देती है। इलेक्ट्रॉन की परमाणु में स्थिति क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है, और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र में अभिविन्यास क्या है, और इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर घूर्णन की दिशा क्या है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए परमाणु में हमें चार प्रकार की जानकारियां प्राप्त करनी होती हैं। उनके लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहली क्वांटम संख्या है यहाँ पर, जिसे हम कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसको हम यहाँ पर स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे। इसके बाद में दूसरा है द्विगणशी क्वांटम संख्या, जिसे गौण क्वांटम संख्या भी कहते हैं यहाँ पे, इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तीसरा है हमारे पास में चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एम अथवा एम एल के द्वारा भी प्रदर्शित हम करते हैं इसको। चौथा है यहां पे चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या को हम एस अथवा एम एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं यहां पे। अब हम यहां पर एक एक क्वांटम संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे यहां पे। सबसे पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया यहां पर कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चार फैक्टर, चार कारक ज्ञात करने होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है यहां पर स्थिति, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होगी। यदि हम स्थिति को देखें तो उसके लिए हमारे पास में दो पॉइंट है यहाँ पे। पहला, स्थिति को हम स्थान से पता कर सकते हैं, और दूसरा क्षेत्र। अब स्थान और क्षेत्र में क्या अंतर है अगर इसको हम समझना चाहें तो, जैसे स्थान के बारे में अगर मैं कहूं यहाँ पे तो स्थान बांसवाड़ा है। जहां तक मैं क्षेत्र की बात करता हूं तो क्षेत्र हमारा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय यहाँ पे। यानी इलेक्ट्रॉन परमाणु के कौन से स्थान के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, यदि हमें इसकी जानकारी पता करनी है तो हमें मुख्य क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास में एक विद्यार्थी का परिचय पत्र हमें प्राप्त हुआ, उस परिचय पत्र के आधार पर हम उस विद्यार्थी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उस परिचय पत्र पर सबसे पहली जो जानकारी होगी वो होगा उस संस्थान का नाम और उसका स्थान, जैसे राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा, फिर उसके विद्यार्थी का नाम, फिर उसके सेक्शन ब्रांच का नाम। ठीक उसी प्रकार से यहां पर जो स्थिति है, जो स्थान है यहां पर वो बांसवाड़ा है। यानी वो जो परिचय पत्र है और जो जो विद्यार्थी का है वो बांसवाड़ा के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पढ़ता है यहाँ पे। तो हमें स्थान और क्षेत्र पता करना है तो हमें उससे हम पता कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मुख्य क्वांटम संख्या भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, यानी इलेक्ट्रॉन परमाणु के कौन से स्थान के कौन से क्षेत्र में हमें मिलेगा ये जानकारी देता है। अब मुख्य क्वांटम संख्या की जितनी जानकारियां हैं इसको हम बिंदुवार इस प्रकार से देखेंगे यहां पे। सबसे पहली जानकारी ये है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसको कौन से वैज्ञानिक ने दिया, तो हम कहेंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या की जानकारी देने वाले वैज्ञानिक का नाम है बोर। यानी मुख्य क्वांटम संख्या को वैज्ञानिक बोर ने दिया। इस क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल एन, जैसे मैंने पहले बताया आपको यहां पे मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल एन को प्रदर्शित किया जाता है यहां पे। इस क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे इस क्वांटम संख्या का मान एक से लेकर अनंत तक
हो सकता है, लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या का मान शून्य कभी नहीं होगा यहां पर। अब ये n से अनंत तक, अनंत क्या है इसको हम समझे, यहां पे ये परमाणु है, ये इसकी नाभिक है यहां पर, और ये दूरी उसकी r है। यदि इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर ले जाएं हम यहां पर, तो एक निश्चित दूरी के बाद में इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल है वो शून्य हो जाएगा। यानी नाभिक से वह अधिकतम दूरी जहां पर इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान शून्य हो जाता है, उस दूरी को हम अनंत दूरी कहते हैं। अनंत दूरी वह नहीं है कि जो हम संख्या से अभिप्राय नहीं है यहां पर कि हम गिन नहीं सकते, पता नहीं कर सकते। अनंत दूरी नाभिक से वह अधिकतम दूरी है जहां पर इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान शून्य हो जाता है। अतः मुख्य क्वांटम संख्या का मान एक से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी शून्य नहीं होगा। अब ये जो मुख्य क्वांटम संख्या के मान हैं, ये क्या बताते हैं हमें? तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो होता है, ये परमाणु के अंदर कोश, कक्ष, कक्षा अथवा मुख्य ऊर्जा स्तर की संख्या बताता है। यानी किसी परमाणु में कितने कोश हैं, यह हमें n की मान को देख करके पता किया जा सकता है। जैसे ये मुख्य क्वांटम संख्या के मान है, एक दो तीन चार, इस तरह से यह अनंत तक हो सकते हैं। और मुख्य क्वांटम संख्या कोश को बताता है यहां पे, तो इन कोश को अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर है उससे हम बताएंगे। यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या का मान एक है, उस समय जो कोश आता है इसको हम के कोश कहते हैं। यहां पे दो पर यहां पर एल एन एन, इस तरह से यहां पर इन कोशों को हमें प्रदर्शित करते हैं यहां पे। अब मुख्य क्वांटम संख्या एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें यह देता है कि किसी भी परमाणु के कोश में समाये जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो किसी भी परमाणु के कोश में समाये जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगी। n यहां पे मुख्य क्वांटम संख्या का मान है, ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान आप देख रहे हैं यहां पे। जैसे यहां पर पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 1² यानी पहले कोश में समाये जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। फिर इसके बाद में 2 × 2² यानी 8 हो जाएगी। परमाणु के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18, फिर 32, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या समा सकती है। यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें इस मुख्य क्वांटम संख्या से पता चलती है, और वो है यहां पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। यानी परमाणु में किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र होता है −13.0 × Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। ये इकाई, यहां पर Z ये उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है, n मैं कहूं यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या है, इसलिए कक्ष की संख्या बताता है। और कक्ष की संख्या जैसा हमने देखा है यहां पर 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी हो, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा कितनी है, तो हम जानते हैं यहां पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो परमाणु क्रमांक है जेड का मान है वो 1 है। और पहले कक्ष में निकालनी है यानी एन का मान भी 1 है, इस सूत्र के अंदर हम रख देंगे यहां पे, तो ये E1 आएगा हमारे पास में −13.60। यहां पर Z का मान 1 है, N का मान भी 1 है, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन है। अब एक और जानकारी जो हमें मुख्य क्वांटम संख्या से पता चलती है यहां पर, उसको हम देखें यहां पे। यह क्वांटम संख्या परमाणु का आकार बताती है। अब आकार से अभिप्राय है, यह परमाणु है, यह इसकी नाभिक है और इसकी दूरी,
जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, यानी हम कहें आकार का अभिप्राय है नाभिक से बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी, जिसके लिए हम शब्द काम में लाते हैं त्रिज्या, यानी मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु की त्रिज्या के बारे में जानकारी देता है। यहां पर त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है एन स्क्वायर बाय जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रम, ये किसी भी परमाणु के अंदर उसकी त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है। यहां पर यानी अगर मैं यहां कहूं कि हमें किसी परमाणु के अंदर चौथे कक्ष में त्रिज्या ज्ञात करनी, तो पहले हमें परमाणु के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु Z परमाणु क्रमांक है, यानी परमाणु क्रमांक का मान हाइड्रोजन के लिए एक होता है, और चौथे कक्ष के लिए हम कह रहे हैं N का मान चार है। इन संख्याओं को मैं अगर इसमें रख देता हूं तो मैं हाइड्रोजन परमाणु के चौथे कक्ष के अंदर त्रिज्या का मान ज्ञात हो जाएगा, यानी परमाणु का आकार ज्ञात करने का पहला है त्रिज्या की गणना के द्वारा कर सकते हैं। या हमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि हमारे पास में दो परमाणु ए और बी हैं, परमाणु ए के अंदर कोशों की संख्या दो है के और एल, और परमाणु बी में कोशों की संख्या तीन है के एल और एम। हमें पता चल रहा है यहां पर इसके अंदर केवल दो कोश हैं, यानी अगर मैं इसको बताऊं यहां पर ये पहला कोश ये दूसरा कोश ये के है ये एल है। इसी तरह से अगर यहां देखें तो ये पहला कोश के फिर एल और फिर एम, यानी परमाणु बी परमाणु ए से आकार में बड़ा है। तो यह मुख्य क्वांटम संख्या की जानकारी, मैं संक्षिप्त में इसको दोहरा देता हूं। मुख्य क्वांटम संख्या को वैज्ञानिक बोर ने दिया, इस क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, इस क्वांटम संख्या का मान एक से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या का मान शून्य कभी नहीं होगा। एन के इन मानों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर प्रदर्शित करते हैं। यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1, 2, 3, 4 है यहां पर, तो जो कोश उसके अंदर होंगे वो के एल एम एन, यानी परमाणु में कितने कोश कितने कक्ष उनकी संख्या ज्ञात करनी हो तो इसे हम काम में लाएंगे। समाये जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² है, यानी परमाणु के पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और फिर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह क्वांटम संख्या कुल ऊर्जा बताती है और परमाणु का आकार बताती है। अब हम अगले लेक्चर के अंदर इसको देखें।